हम कभी उनको कभी उनकी आहट को देखते हैं, मिले जो उनसे नजरें तो एक चाहत को देखते हैं। हंसता तो हर हसीन है पर हर हसी में उन्हीं की मुस्कुराहट को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण परवेश सिंह और आपका स्वागत है इन कॉन्वर्सेशन विद रैपिड लीक्स में। ऐसी ही कुछ पंक्तियां शायद हमने भी कहीं पर डायरी के किसी एक पन्ने में लिख के छोड़ रखी होंगी। अंदर एक डर है कि पता नहीं दुनिया को कैसा लगेगा, यार दोस्तों को भी सुनाई होंगी, पर कभी किसी बड़े मंच पर ले जाने का हमारा कहीं ना कहीं से मन शायद रुक गया होगा। एक पब्लिक फियर हमारे मन में जाग गया होगा, या हमें ये नहीं मालूम होगा कि ऐसे कौन से मंच पे हम जाएं जहां पे जाके अपनी रचनाओं को हम प्रस्तुत कर सके, उन्हें शेयर कर सके, अपने ही जैसे लोगों से मिल सके, उनके साथ अपना अनुभव बांट सके और उनके अनुभव से कुछ सीख सके। सही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब हम चले तो हम रूबरू हुए कविशाला नामक एक प्लेटफॉर्म से। ये जो मंच है 2016 में बनाया मिस्टर मिश्रा ने और अभी आजकल ये ऑनलाइन ऑपरेशनल है कविशाला.in के नाम से। इनकी प्रेजेंस, इनके प्रेजेंट मेंबर्स जो हैं वो 40,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। लाख से ज़्यादा कविताएं इनके पोर्टल के ऊपर प्रेजेंट हैं। USA, UAE, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ के अंदर जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं या जो साहित्य में किसी ना किसी भाषा के ज़रिए जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू हो और चाहे वो इंग्लिश हो, इन सब में इनका नेटवर्क है। तो आइए आज हम बात करते हैं मिस्टर मिश्रा से, जो कविशाला के संस्थापक हैं। तो उनका सफ़र अभी तक कैसा रहा, किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा और आने वाले समय में वो अपने मेंबर्स को, नए कवियों को किस तरीके से एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का वादा करते हैं। अंकुर मिश्रा जी, स्वागत है आपका इन कॉन्वर्सेशन विद रैपिड लीक्स। आप हमें बताइए किस प्रकार आपने कविशाला, जो ये मंच आपने एक बनाया है, इसका विचार आपके दिमाग में कब आया, कैसे आया, कैसे इसकी आपने इसके स्वरूप की रचना की और इसे फाइनली एक फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने खड़ा किया? तो बीइंग अ राइटर, मैं बहुत पहले से लिख रहा हूँ, करीब 10th या 11th से जी, उसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखे बहुत सारे, उसके बाद बुक भी पब्लिश हुई पोइट्री की। बट मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें नए कवि हैं जो जी, उनको कविताओं के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल पाए जी। फेसबुक था, ट्विटर था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, बट जैसे पुराने पोइट्स की पोइट्री हम एक जगह पढ़ लेते हैं, बट नए पोइट्स की पोइट्री एक जगह अवेलेबल नहीं थे। हाँ, तो उसका कलेक्शन एक जगह होना चाहिए। अभी फेसबुक कल नहीं है, मान लीजिए मुझे किसी एक्स वाई जेड की पोइट्री पढ़नी है तो उसको पढ़ने में कहाँ जाऊँगा जी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना मंच ढूंढना शुरू किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढने शुरू किए, मुझे कोई नहीं मिला। मुझे पुराने पोइट्स की पोइट्री पढ़नी होती तो मैं रेखता चला जाता था, कविता कोश चला जाता था जी, बट नए लोगों के लिए, नए कवियों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जी। तो मैंने मई 2016 में नाम मुझे मिल गया कविशाला, तो कविशाला नाम से मैंने इसका खुद के लिए कि मैं अपनी पोइट्री वहाँ पर डाल सकूँ, तो उसका यही विचार रखते हुए मैंने कविशाला.in एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया जी। उसके बाद क्या हुआ, विद इन 2-3 मंथ्स, रीजन यही था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। हाँ, तो विद इन 2-3 मंथ्स बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि क्या इस प्लेटफॉर्म को जो अदर नए दूसरे नए पोइट्स थे कि हम लोग यूज कर सकते हैं जी। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इसको कॉमन कर दें हम जी। तो लगभग जून या जुलाई 2016 में हमने इसको पब्लिक कर दिया जी। तो अभी 2 साल की जर्नी हो गई है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जो कविशाला है, उसमें करीब पूरे देश से ऑनलाइन जो कवि हैं, करीब 20,000 से ज़्यादा कवि हैं जो ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, उनकी अच्छी कविताएं हैं, जो करीब 60,000 के करीब कविताएं हैं जी, जो नए लोगों की कविताएं हैं जी, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उनको उनका उनको फीडबैक देख सकते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि जो नए कवि हैं या जिन्होंने कुछ अपनी संरचनाएं वो किसी डायरी के एक पन्ने में लिख के कहीं पर छोड़ दी है, अगर वो कविशाला जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहें तो उन्हें क्या करना है, किस तरीके से वो आके जुड़ सकते हैं? तो जैसे मैंने आपसे बताया कि कविशाला है ही नए कवियों के लिए जी। देश के कोने कोने से, गांवों से, शहरों से, कस्बों से, हर जगह हम लोग मीटअप्स करते हैं, हर महीने मीटअप होते हैं, करीब 40 से ज़्यादा शहरों में, कस्बों में, गाँव में आजकल मीटअप्स हो रहे हैं, हर महीने होते हैं जी। आप ऑफलाइन आके अपने पन्नों की बात करी तो मतलब पहले होता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे, लोगों के लिए मंच अवेलेबल नहीं थे, तो लोग अपना पन्नों में रख के उनको एक ऑडियंस नहीं मिलते थे जी। कविशाला का क्या है कि जितने भी नए पोइट्स हैं, सबसे अगर उन्हें ऑनलाइन जुड़ना है तो ऑनलाइन के लिए सिंपल है कि कविशाला.in प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, ऑनलाइन अपनी पोइट्री पब्लिश कर सकते हैं, विद इन 1-2 आवर्स उनका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा जी। उनकी पोइट्री का कंटेंट, उनका जेन्युइन कंटेंट उनका है जी, कॉपीड कंटेंट नहीं पब्लिश करते हैं, अगर उनका खुद का कंटेंट है, कंटेंट को इम्प्रूव कर लेंगे, बट अगर कॉपी करके वो पेस्ट करें तो वो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं जी।
ऐसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, कविशाला.in सिंपल यूआरएल है, वहाँ पे आके ऑफलाइन के लिए कि जिन सिटीज पे हैं हमारी वेबसाइट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी, कि आपको ऑफलाइन इस शहर में इस तारीख को मीटअप हो रहा है जी। कुछ शहरों के लिए हमने फिक्स हफ्ते करे हुए हैं कि लखनऊ में तीसरे हफ्ते के इतवार को होना है, दिल्ली में पहले हफ्ते के इतवार को होना है जी। इस तरीके से बहुत सारे शहरों के लिए, कस्बों के लिए हमने अलग अलग डेट्स, अलग अलग तिथियाँ हमने फिक्स करी हुई हैं। तो अभी जो आप मुझे बता रहे थे कि काफ़ी कुछ हज़ार लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, और इतनी उनकी उतनी ही ज़्यादा पोइट्रीज आपके पोर्टल पर अभी अवेलेबल हैं, तो पिछले 2 साल के अंदर कविशाला कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा चुका है, कहाँ कहाँ आप लोग अभी प्रेजेंट हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडिया क्या बाहर के लेखक भी आपके साथ जुड़े हुए हैं जी? तो इंडिया के अलावा हम लोगों ने अभी रिसेंटली अप्रोच किया है, तो यूएई का हम प्लान कर रहे हैं, बट यूएसए में हमने 2 इवेंट्स कराए हुए हैं जो लोकल लेवल पे जो इंडियन कम्युनिटीज हैं वहाँ पे जी, हिंदी और उर्दू को समझने वाली, कविताओं को समझने वाली जी, तो उन्होंने अपने लेवल पे वहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे कविशाला की तरफ से कविताएँ करी हुई हैं। इसके अलावा यूएई का प्लान है, इंडिया के लगभग अधिकतर मतलब प्रदेशों में अभी उपस्थित हैं जी, तो ये हमारा ऑफलाइन अवेलेबिलिटी है कि मीटअप्स अटेंड करने के लिए। इसके अलावा हम भी इंडिया और पाकिस्तान का जो एक कम्बाइंड कविता का संग्रह है जी, जिसमें करीब 100 पोइट्स हम लेंगे इंडिया से, 50 पोइट्स इंडिया से, 50 पोइट्स पाकिस्तान से जी, जिसमें कई भाषाओं को हमने ध्यान में रखा हुआ है, हिंदी है उसमें, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है जी, इंग्लिश है जी, फिर 5 भाषाओं में इंडिया से 50 पोइट्स, पाकिस्तान से 50 पोइट्स, तो उसका हमने थीम रखा है इंडिया पाकिस्तान पीस एंड फ्रेंडशिप पोइट्री कलेक्शन। एक प्रयास है हमारा कि हम एक अपना जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है जी, उसमें एक साहित्य की तरफ से या कविताओं की तरफ से हम कुछ कर पाए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो अक्सर बाउंड्रियां इंसानों के बीच में खींच दी जाती हैं वो मधुर शब्द, कुछ अच्छे अल्फाज, कुछ अच्छी ऐसी फीलिंग्स लोगों के बीच में कॉमन होती हैं, जब वो एक सांझे प्लेटफॉर्म पे शेयर की जाएं तो कहीं ना कहीं से प्यार, आपस का भाईचारा बढ़ता ही बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी, आज हमें अपना समय देने के लिए। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? तो व्यूअर्स के लिए मेरी खुद की 2 लाइन्स हैं कि मोहब्बत तो सभी करते हैं जी, किसी की छिप जाती है और किसी की छप, तो छिपने से छपने तक का जो सफ़र होता है उसमें बस एक शब्द होता है चाह, जिसके अंदर चाहत है उसकी मोहब्बत छपती ही है। लोग प्रयास करते रहें, कविताओं के लिए बोलो कविताएँ लिखते रहें जी, आपको मंच मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे मंच मिल जाएंगे जी। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी एक कवि छुपा हुआ है और आप अपनी रचनाओं को फेमस करना चाहते हैं, ऑनलाइन डालना चाहते हैं, तो जाइए कविशाला.in पर। और मैं करण परवेश सिंह इन कॉन्वर्सेशन विद रैपिड लीक्स में आपके साथ था। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।